हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं, यानी 7 मार्च 2024 को आप सभी का इंग्लिश पेपर है। और इस इंग्लिश पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैसेज आने वाले हैं, जो ग्रामर आने वाली है, जो राइटिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से यहाँ पर हल करवाने वाले हैं। आपको सॉल्व का तरीका भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आपको हुबहू 7 मार्च 2024 के इंग्लिश के पेपर में आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फैक्चुअल एक अनसीन पैसेज मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पर हल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटा सा पैसेज है, यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रोजी सिक्स रेड लिप्स एंड सफल नीज। ठीक है, इट इज ए मैटर ऑफ द विल ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ एंड द इमेजिनेशन। यूथ मीन्स द प्रेडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर अवर द लव ऑफ इच। ठीक है, इस प्रकार से क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। अब जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस में जो नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपको क्या मिल रहे हैं, ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यूथ इज ए स्टेट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पहली जो फर्स्ट लाइन है, जो पहले जो क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा वो फर्स्ट या सेकेंड लाइन में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज ए स्टेट ऑफ क्या है, माइंड इज नॉट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। यूथ मीन्स, यानी यूथ का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो यूथ का जो अर्थ है वो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर यूथ का जो अर्थ है वो हो जाएगा यहाँ पर लव ऑफ इज रोजी सिक्स ए मैटर ऑफ रेशी सिक्स रेड लिप्स एंड सफल नीज, या फिर प्रेडोमिनेंस एंड एडवेंचर ओवर लव ऑफ इच। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ मीन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ मीन्स। ठीक है, ये जो इसका यहाँ पर यूथ मीन्स, ये इसका क्या था, क्वेश्चन का मेन वर्ड था, क्या था, मेन वर्ड था। और इसी मेन वर्ड को आपने पैसेज में फाइंड किया तो आपको यहाँ पर आंसर मिला, यहाँ पर ये लाइन आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको लगातार 7 मार्च 2024 तक इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस है, आपके जितने भी जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले और अच्छे से तैयारी होने वाली है हमारे चैनल के माध्यम से। हाउ कैन बी यंगर देन ए बॉय ऑफ 20, ए मैन ऑफ 60, ए मैन ऑफ 20, एन इंफांट, या फिर ए मैन ऑफ 50। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यंगर देन ए बाय बॉय ऑफ 20, ये जो यंगर देन ए बॉय 20 क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। और यहां पर आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइव यहां पर आप देख सकते हैं इन ए मैन ऑफ 60 मोर देन इन ए बॉय ऑफ 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हुबहू मिल रहा है आंसर, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए मैन ऑफ 60। ठीक है, हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड बाय डेजर्टिंग अवर स्टेट ऑफ माइंड, बाय डेजर्टिंग अवर लव इज, एंड बाय डेजर्टिंग अवर आइडल्स, बाय डेजर्टिंग अवर नंबर ऑफ इयर्स। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रो ओल्ड है, ग्रो ओल्ड ये इसका क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड है। और इसी मेन वर्ड को आपको फाइंड करना है इसी पैसेज में। ठीक है, इसी पैसेज में आपको फाइंड करना है, जैसे आप फाइंड करेंगे आपको आंसर बिल्कुल ही मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सी एन इन्फांट यानी होता है इन्फांट, इसका अर्थ होता है शिशु, क्या होता है, शिशु। ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छे से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ स्पिरिट। देखो, स्पिरिट का अर्थ होता है आध्यात्मिक कह सकते हैं, या फिर आत्मा कह सकते हैं स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अर्थ भी क्या होता है, स्पिरिट ही होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा या फिर
अध्यात्म होता है, ठीक है। तो फियर का होता है डर, उसका तो होगा नहीं। डाउट का होता है संदेह, तो ये भी होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर फेथ है तो उसका भी होता है विश्वास, होगा नहीं। स्पिरिट यानी शौल आत्मा, तो ये इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब ऑपोजिट वर्ड एपैथी, ठीक है। तो इसका आपको ऑपोजिट वर्ड देखना है, तो उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथुसिएज्म। एक वर्ड आया है पैसेज में एंथुसिएज्म, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए जो ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है सिक्स का। नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज थर्ड है, जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज में आपको क्या नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको अच्छे से उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर यानी वन लाइन में जितना भी आंसर है वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छे से आपको इनको यहाँ पर करना है पैसेज को, जो मैंने तरीका बताया है जिस तरीके से उसी तरीके से करना है। और ये जो पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसेज टॉप मॉडल पेपर के टॉप पैसेज है, जो कि 100% हुबहू आपको 7 मार्च 2024 के पेपर में आपको हुबहू मिल सकते हैं। बाकी अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवाजी द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग, तो शिवाजी के बारे में पैसेज दिया गया है, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। When Aurangzeb imprisoned him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in Maharashtra was 1666, ठीक है। यानी कब, जब औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण किया था, अपने मतलब आगरा को गुलाम बनाया था, तब कैसे शिवाजी ने अपनी चतुराई से कैसे अपनी प्लान करके कैसे महाराष्ट्र को बचाया था 66 में, तो उसके बारे में एक पूरा का पूरा छोटा सा क्या दिया गया है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, आपको आंसर करना है, ठीक है। आंसर आपको अच्छे से एक बार जब बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे, कोई भी पैसेज आएगा, चाहे वो शिवाजी पर आए, चाहे विवेकानंद पर आए, किसी भी पर्सन किसी का भी टॉपिक पर पैसेज आए, आपको एक बार फास्टली पढ़ लेना है। आपको एक बार अपने हिसाब से, आपको हिंदी अर्थ आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं रखना, एक बार आपको फास्टली पूरे के पूरे पैसेज को जल्दी से पढ़ लेना है। जल्दी से इसलिए पढ़ना है क्योंकि समय कम है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको यहाँ पर आंसर निकालने में दिक्कत आएगी। तो व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट, इसकी लाइन। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे जैसे मैं मान लीजिए व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट, तो यहाँ पर जो द ग्रेट शब्द है, द ग्रेट जो शब्द है या उसे बोल सकते हैं जो वर्ड है वो क्या है, बहुत ही क्या है, बहुत ही यहाँ पर मेन वर्ड है। इसी के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर ये जो क्वेश्चन है वो बन रहा है कि कैसे वो ग्रेट थे, क्या कैसे ग्रेट थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो द ग्रेट से जो आंसर है वो स्टार्ट हो जाएगा कि शिवाजी द ग्रेट क्योंकि वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग, ठीक है। और क्यों थे, तो वेन औरंगजेब इम्प्राइजन हिम एट आगरा, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये ट्रिक्स एकदम यूनिक ट्रिक है, ठीक है। विच फोर्ट वाज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट, ठीक है। तो कौन सा फोर्ट यानी कौन सा किला एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक जो फोर्ट है वो क्या है, मेन वर्ड है, और इसी स्ट्रेटेजिक फोर्ट को आपको फाइंड करना है पैसेज में। जब आप एक फास्टली पैसेज को रीड करेंगे तब आपको कुछ जो वर्ड है वो आपको रिमेम्बर होंगे कि ये जो वर्ड है वो आपको पैसेज में कहाँ पर मिल सकते हैं, इसलिए पैसेज को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फोर्ट, ठीक है, इज द मेन वर्ड, क्या है, इज द मेन वर्ड। तो उसी वर्ड को आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पैसेज में आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और आपको 100% वही फोर्ट मिलेगा, उस फोर्ट का आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपको फाइंड करना है, अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्ट ऑफ कोंडाड़ा कोंडाना, ठीक है, एक तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके दूसरा कोई है फोर्ट तो आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वर्ड का जो नाम आया है कोंडाना, यही क्या है, यहाँ पर इसका फोर्ट का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, एकदम ये देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स,
ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है कोंडाना वाली, ये इसका क्या हो जाएगी, सेकेंड का यहाँ पर आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से आपको वो वाज शिवाजी, शिवाजी कौन थे, हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्राइजन ऑफ औरंगजेब, ठीक है, व्हाट डिड शिवाजी टू गुड गेट बैक हिज फोर्ट, व्हेन हेल्प व्हाट हेल्पेड मराठा टू रिकवर द फोर्ट्स, व्हाट प्लीज डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कोंडाना। तो ये जो रिकैप्चर कोंडाना जहां पर भी वर्ड है वही प्लेस होगी, वही प्रतिज्ञा होगी, वो आपको लाइन लिखनी है। फाइंड आउट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स विन बैक फ्रॉम द एनिमी, विन बैक्स द फ्रॉम द एनिमी, ठीक है, एनिमी से वापस बैक करना, जीत के बैक करना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रिकैप्चर, क्या बोलते हैं, रिकैप्चर। ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात की थी मैंने लेटर की कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर टेंथ के आपको जो पेपर आएगा उसमें लेटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, लेटर मिलेंगे, लेटर का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था, लेटर कई प्रकार के होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, ईमेल लेटर भी होता है, बिजनेस लेटर भी होता है, ठीक है, जॉब या फिर एप्लीकेशन जो लेटर होता है वो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से लेटर होते हैं। ये जो दिया गया वो एक ईमेल लेटर का फॉर्मेट है, ईमेल लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक टॉपिक दिया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ और राजस्थान पत्रिका में छपवाना है, इसलिए उसको ईमेल करना है, जो एडिटर है उनको ईमेल लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फॉर्मेट मैंने बताया था, टू में जो क्वेश्चन में ईमेल एड्रेस दिया है वही का वही आपको लिखना है, सीसी बीसीसी ब्लैंक रहने देना है, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है किस पर किस टॉपिक पर आपको राजस्थान पत्रिका में एड दिलवानी है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में पेड़ पौधे का जो महत्व है उनके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अवर कंट्रीमैन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, ट्रीज गिव्स टू द ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज इम्पॉसिबल, ट्रीज कीप्स अवर इकोलॉजी बैलेंस, यानी जो इकोलॉजी उसको बैलेंस बनाए रखती है, इकोलॉजिकल इम्बेलेंस कॉसेस हार्डशिप्स इन अवर लाइफ, ट्रीज गिवन अस रॉ मटेरियल फॉर अवर इंडस्ट्रीज। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या दिया गया है, जो समरी है वो आपको लिखनी है। उसके बाद थैंकिंग यू योर ट्रूली अनुराज अनुजराज, और जो आपका स्टूडेंट जो भी है नाम दिया है कि तो आप लिख सकते हैं। एक ये जो दो जो ईमेल जो ज़्यादातर जो मेनली मैं आपको बता दूँ टॉपिक, या तो अब की बार 7 मार्च 2023 के पेपर में दो टॉपिक पर आपको ईमेल मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ जिसका हमने अभी यहाँ पर किया था, ठीक है, ये टॉपिक आप थोड़ा बहुत देख लेना। और एक जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यू आर किरण राइट ए फॉर्मल ईमेल, कैसा लेटर लिखना है, फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल यानी होता है औपचारिक, जो सरकारी कार्यालय वगैरह में लिखा जाता है, इनफॉर्मल में सगे संबंधित रिश्तेदार फ्रेंड दोस्त जो भी है उनको लिखा जाने वाला ईमेल होता है। प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल gss@gmail.com, रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल सर से, अरेंज ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग एक ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करवाई जाए, अरेंज करवाई जाए, जिसमें टॉपिक रहेगा हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करना है, कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन को सक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टू में जो ईमेल आईडी है प्रिंसिपल सर की, सीसी ब्लैंक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया गया है फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या लिखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, स्टूडेंट आर एग्जामिनेशन ब्लूज प्लीज, ठीक है, अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प अस दिस रिपोजिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, योर ऑबिडेंटली किरण। इस प्रकार से आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ईमेल लेटर राइट कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, अच्छे से समरी लिखनी है, आपको पूरे वैसे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसी प्रकार से फिर आपको यहाँ पर कुछ टेंस के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं आपको अलग से क्लास लगाऊंगा, जिसमें पूरे के पूरे ग्रामर का निचोड़ हो जाएगा। दसवीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, फोर इंग्लिश
7 मार्च 2024 पेपर के लिए पूरी की पूरी ग्रामर का निचोड़ के लिए एक अरेंज जो अलग ही एक क्लास होगी हमारी, जो कि ओनली ग्रामर को लेकर होगी, ठीक है, जो कि 30-35 मिनट की लगभग वो क्लास होगी, जिसमें पूरे के पूरे ग्रामर का हम क्या करेंगे, निचोड़ करेंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट हंग्री, आई ऑलरेडी इट, ठीक है, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट हंग्री, आई ऑलरेडी इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, इट की जो फॉर्म है उसमें जो चेंज होगा कौन से लगेगी, V3 लगेगी, V2 लगेगी या V1 लगेगी, ठीक है। तो हम टेंस के बारे में पूरा का पूरा हम समझाएंगे, उसी प्रकार से एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जितने भी यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन है, और ये जो स्टेंजा है उनमें आपको दो क्वेश्चंस दिखाई देंगे। स्टेंजा आपकी बार आएगा, लेकिन स्टेंजा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर को लिखना होगा। जैसे कि स्टेंजा है, द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्पटी ऑल दिस ट्रीज वेयर नो बर्ड कुड सिट ऑन द स्टैक्ड इंसेक्ट हाइड नो शन ब्री इट्स फिट इन सेडो द फॉरेस्ट डेट वॉज एम बटी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको एक स्टेंजा दिया गया है, इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और आपको अथवा में भी मिल रहा है, एक फॉग पर है, एक ट्रीज पर है, ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 7 मार्च 2024 में मुश्किल से मिलेंगे, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हुबो आपको 7 मार्च 2024 इंग्लिश वाले पेपर में हुबो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अच्छे से इनको आपको रीड करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग इन द लेशन ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, उसमें जो डॉग का नाम था वो क्या था, ट्रिकी था, हेलो था, ट्रिम्पी था, टॉमी था, जो भी है वो आपको लिखना है। वो आज मैक्स द मिडनाइट विजिटर रिलेशन है, उसमें से एक क्वेश्चन है, वो आज मैक्स, मैक्स कौन था, एक वेटर था, ठीक है, एक शॉपकीपर था, एक सीक्रेट एजेंट था, एक होटल एम्प्लॉय था, कौन था वो आपको पता होगा, आपने लेशन को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको जरूर पता होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम द बुक एंड द सेव्ड द अर्थ, मदर गूस, मदर पोइम, मदर मेरी, मदर ट्रेशा, कौन सी वो बुक है जहाँ पर अर्थ शेवड को लेकर यहाँ पर बात की गई है, द बुक शेवड ऑफ द अर्थ, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, अच्छे से आपको लिखना है, अच्छे से पेपर को करना है। बाकी हम क्लास लगाएंगे जिसमें और भी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ राइटिंग पोर्शन है, उनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।